अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। जब काम कराने के लिए मजदूरी महंगी हो जाए और पैसा देने के वक्त जान बेहद सस्ती, तो समझ लीजिए कि हम किस दौर में पहुंच चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं firstbite.ve। मेरठ के गंगानगर में मजदूरी पर पत्थर लगाने वाले को केवल इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया कि वह दबंग व अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति से किए गए काम के 80,000 रुपये मांग रहा था। पैसे तो नहीं मिले, अलबत्ता छाती को भेदती हुई गोली जरूर मिल गई। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ मेरठ आए तो न्याय की गुहार के लिए परिजन कमिश्नरी के बाहर तक तो पहुंचे, लेकिन वे राजा का दरवाजा नहीं खटखटा पाए। पुलिस ने अपना बल दिखाकर उन्हें भीतर जाने से रोक लिया। मंडलायुक्त सभागार में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की मंडियां समीक्षा कर रहे थे। इस बैठक में आंकड़ेबाजी में माहिर नौकरशाह यह दिखाने में जी जान से जुटे थे कि जितना तापमान इस वातानुकूलित कक्ष का है उतना ही बाहर भी। चारों तरफ अमन और चैन है, व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। फिलहाल यहां बात हो रही है सैनी मुजफ्फरनगर निवासी विपिन कुमार की। वह गंगानगर थाना इलाके के 19 नैनू नगर में पत्थर लगाने का काम करता था। यह मकान मोबाइल टावर लगाने वाले ठेकेदार पुनीत गर्ग का है। शादी की सालगिरह से एक दिन पूर्व यानी 13 मई को जब उसने मजदूरी के 80,000 रुपये मांगे तो पुनीत ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में एक भाजपा नेता के संरक्षण में पुनीत ने सरेंडर कर दिया, जिसे पुलिस ने थाने के पास से ही गिरफ्तारी भी दिखा दी। आज विपिन के परिजनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की कोशिश की। आइए देखते हैं उनकी असफल कोशिश। मैं कैसा करूंगी? मुझे एक बार उसे दिखाने को मिला तो मैं जाऊंगी सोने के खाट नहीं बता दिए ना मैं ना काम कर रहा हूं ना मजदूरी नहीं दी। एक बार बता दो किस लिए मारा, किस कारण से मारा, क्या उन्होंने गलती करी, क्या गलती मतलब ये था मारा तुम एक बार लो बोल वो पैसे नहीं देते हैं मारता तो मांगो बिल्कुल भी वो तो इतने अच्छे आदमी है कहीं भी पूछ लो उनकी मेरे गांव में मजदूर आदमी तो रहने के नहीं है। क्या खाएगी मेरी बेटी, क्या खाएगी मेरे पोते, कौन इसके कौन इसकी शादी करेगा, कौन इसका करेगा, कहाँ किस बात का, कौन सा क्या होगा, उसका को बिलाम करता हमने, उसे कौन से कौन करेगा, करा देता कौन करेगा मेरे बच्चे का। हम इंसान मान रहे हैं मैम और हमें कुछ ही मांगने नहीं आए, हमें इंसान इंसाफ का यहाँ मेरे बेटे का हमें कुछ नहीं चाहिए। हम विधानसभा तक लड़ूंगी, अपने विधानसभा तक दिल्ली तक लड़ूंगी, मुझे अपने हाईकोर्ट तक जाऊंगी, दिल्ली तक मन को शांति जब होगी जब इंसाफ मिल जाएगा। वो ऐसे नहीं थे मेरे रिश्तेदार है, मेरे काम पर करे जाए मेरे लड़के की, मेरा बेटा कैसा था। बाद में इन सभी को वहां से जबरन हटाकर अन्यत्र भेज दिया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कोरोना काल में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लॉकडाउन के दौरान घर पर रहें, सेफ रहें और देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार।